नमस्कार, मैं साई धड़वे। इस वक्त हम उपस्थित है वसई स्थित पापड़ी तालाब के पास। यहाँ पर कल शाम 6:30 बजे के आसपास एक 5 साल के बच्ची पर गेट गिरकर उसकी जगह पर ही मौत हो गई है। इस तालाब परिसर में तकरीबन 6 गेट है और सारे गेट टूटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये गेट 3 साल से ऐसे ही है, लेकिन महानगर पालिका की इन पर अभी तक नजर नहीं पड़ रही है। आखिरकार महानगर पालिका के लापरवाही के वजह से एक परिवार को अपनी बच्ची की जान गंवा कर उसका हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। आखिरकार पता नहीं और कितने लोगों को इस तरह की घटना का शिकार होना पड़ेगा। आइए जानते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों ने इस गेट को लेकर क्या कुछ कहा और उस बच्ची के परिजनों ने प्रशासन से क्या कुछ मांग की है। तालाब में गेट बांधे हुए तो बहुत साल हो गए, तो चार पाँच साल हो गए। अभी 15-20 दिन तक गेट था अच्छा था, तो वेल्डिंग तो थोड़ा बड़ा मारा हुआ गया, वो टूट गया तो बंद। बाद में तो कोई रिपेयरिंग नहीं किया, कुछ नहीं, ऐसा ही बाजू में हम लोग आजू बाजू वाले कर बाजू में खड़ा रखे खड़े खाई किए थे। 3-3.5 साल हो गया। कंप्लेंट करने किधर करेंगे कंप्लेंट, कोई आता ही नहीं, देखते झाड़ू मारने को आते, लाइट वाले आते, सब नगर पालिका वाले इधर आके देख के उनको मालूम है ना। अभी कल भी अधिकारी लोग आके गए नगर पालिका वाले इधर कल, अभी कभी रिपेयरिंग करते या उठा के लेके मालूम नहीं। 5:30-6 बजे का हादसा है और मेरी मौसी गई थी मतलब कपड़ा धोने, तो सब निकलने के बाद मतलब निकल ही रहे थे, तब तक बच्चा खड़ी जाके वो गेट के पास खड़ी रही थी मतलब उसको हाथ पकड़ के, तो अचानक वो गेट पता नहीं कैसे पीछे से ऐसा उनके ऊपर आ गया, तो 2 बच्चियां मतलब आ गई थी, तो एक मेरी बच्ची है वो निकल गई, लेकिन एक दूसरी छोटी वाली थी वो उसमें ही फंस गई। वो 5.5 साल की थी, उसको न्याय मिलना चाहिए, बस वही चाहिए। अब और हम लोगों को क्या चाहिए, बस उसको न्याय मिले। एक ही बच्ची थी उसकी, वो किसके सहारे जिएगी, उसका हस्बैंड भी उसके साथ नहीं रहता है, वो भी उसका मतलब दोनों एक साथ नहीं है, वो बच्ची के वजह से वो यहाँ पे थी रुकी हुई, वो भी उसका सहारा ही चला गया है पूरा। तो उनको समझ में आना चाहिए कि वो गेट थोड़ा मतलब कुछ तो बांध के रखना चाहिए था या फिर लगाना चाहिए था कुछ, तो ऐसे तो हमारी बच्ची तो आज गई है लेकिन किसी और की भी कल जा सकती है। कोई कितने सारे वहाँ पे बच्चे आते हैं सब खेलने कूदने के लिए, आज हमारी बच्ची गई है कल किसी और का भी बच्चा जा सकता है, तो उनको थोड़ा तो मतलब जागरूकता होनी चाहिए ना कि कुछ तो करे मतलब। पूरा ऐसे ही सब खुला छोड़ दिया है, पूरे गेट खुले छोड़ दिए, सब जगह के पूरा खुला, कोई नल को पानी नहीं आता है, इसलिए हम लोग कपड़ा धोने वहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे पानी भी बहुत कम आता है, आधा घंटा भी पानी नहीं आता, खाली 15-20 मिनट पानी आता है। अगर पानी अच्छे से आएगा तो हम लोग कपड़ा धोने जाएंगे ही नहीं वहाँ पे, बराबर है ना। अगर घर में अगर पानी मिल रहा है तो हम लोग इतना कपड़ा धोने क्यों जाए, पानी नहीं मिल रहा है इसके वजह से ही हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं।